Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope so you're doing absolutely good. तो guys, time सुबह के अभी 11 बज रहे हैं, vlog की शुरुआत हो रही है मेरी गाड़ी के साथ, क्योंकि आज जा रहा हूँ मैं पठानकोट जाना है यार, काम बता रहा था आपको, बड़ा ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ ओरिजिनल एल्बम का फ्रेम्स का, तो वो करना है। और भाई ये देखो लैपटॉप मैंने साथ में रखा है ओपन करके, जो कल रात को वेडिंग वाली वीडियो बना रहा था वो एक्सपोर्ट करने के लिए लगाई है, तो एक डेढ़ घंटा लगता है। तो मैं कहा अगर आधा बंद कर दिया मैंने तो लैपटॉप में कुछ चाहिए भी मैं लेके भी जाना है, तो पहले मैं परेशान हो गया, मैं कहा अब लगा तो दी मैंने एक्सपोर्ट करने के लिए, अब क्या करूंगा मैं पठानकोट जाऊंगा, मेरे को लैपटॉप भी चाहिए, बंद करके गया फिर दोबारा एक्सपोर्ट, फिर दिमाग में आया गाड़ी लेके तो जाना है भाई, सीट पे रख देंगे, तो साथ में अभिषेक जा रहा है मेरे, तो उसको लेने चलते हैं अभी फिलहाल और निकलते हैं भाई घर से। तो अभी चलते हैं मंडी वाली साइड उसको लेने के लिए। और भाई फर्स्ट टाइम मैं जब से गाड़ी दी ना इस साइड फर्स्ट टाइम जाने लगा हूँ, आज एक महीना हो गया और फर्स्ट टाइम जाने लगा हूँ भाई मंडी वाली साइड गाड़ी लेके। वैसे तो गया हूँ, बाइक वाइक लेके तो गया ही होऊंगा, गाड़ी लेके भाई। चलो जी गाइस, ऊपर पहुंच गया सामने मंदिर भाई, गाड़ी मस्त जगह लगी है, पूरा माथा टेक लिया गाड़ी भी और मैं भी। चलो जी बाहर निकलते हैं। हाय अभिषेक, हाउ आर यू। चलो जी गाइस, फिलहाल घर से भी निकल गया हम और लेट हो गया थोड़ा सा, तो चलो मैंने जल्दी से काम फिनिश करके आ जाएंगे। लेट इसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ भाई, मैं तो आया अपने टाइम पे। बिल्कुल ठीक है। चलो जी गाइस, आई लव पठानकोट में भी हम एंटर हो चुके हैं, चलते हैं। चलो जी गाइस, पठानकोट पहुंच गए और गाड़ी करते हैं अब यहाँ पे पार्क, दर्द होने लगी आज काफी दिनों के बाद। वो देखो गाइस, वहां पे कान्हा जी की पेंटिंग बनी है भाई दीवार पे ना, कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं वहां से जाऊंगा ना उस वाले रास्ते से और यहाँ से गुजर के जाऊंगा, मैं आपको वहां से पास दिखाऊंगा। और ये कहीं और भी बनी हुई है यार, वो दिखने दी मेरे को। ये देखो भाई साहब कितनी मस्त लग रही है पेंटिंग ना, ये एक ये है एक वो पीछे है, पीछे वाले थोड़ी सी अब दिख नहीं रही, आगे घर घूर है झोंपड़ियाँ, मस्त लग रही है पेंटिंग यहाँ पे। और गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की वहाँ। तो गाइस अभी हम सामान भी लेके आ गए, एल्बम में अभिषेक ने पकड़ी है और ये फ्रेम है, बस इनको फ्रेम लगाने हैं, उसके बाद घर निकल जाएंगे भाई साहब। और बाकी मैं अभी गया था, एक अंकल है वो लेके गए थे मेरे को जहाँ पे स्पेशली यहाँ पे इसका इलाज कराया जाता है, री कहते हैं इसको, सीआरटी का। तो डॉक्टर के पास गया था, इंजेक्शन लगाए कह रहे 101% है कि तू ठीक हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम तेरे को यही हुई सीआरटी का की प्रॉब्लम हुई तो 101% ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया। कह रहे मेरे पास आते नहीं दूर के, उसने बोर्ड लगाया हुआ स्पेशल, बोर्ड पर लिखा हमारे यहाँ री का दर्द किया इलाज किया जाता है स्पेशल। तो कह रहे इनको कुछ पुराना है, पता नहीं जो भी होएगा, इंजेक्शन लगाया कह रहे 3 बार आना पड़ेगा हफ्ते बाद, 50% फर्क आज पड़ जाएगा और बाकी फिर देखते हैं। तो देख लेते हैं भाई, जहाँ पे इतना कुछ ट्राई कर रहे हैं तो इसको ट्राई करने में कोई अर्ज नहीं है, और देखते हैं फिर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता। कहते हैं बहुत दूर दूर से दिल्ली तक से लोग आते हैं मेरे पास यहाँ पे, क्या बताओ, देख के लगा पता क्या होता है क्या नहीं। तो भाई टाइम 5 बज गए भाई हमें काम करवाते, क्योंकि भीड़ ही बहुत ज़्यादा थी, अभी फ्री हुए हैं अभिषेक तो भाई वहाँ चल गया, उसने तो गाड़ी विंडो भी खोल दी, सब कुछ गर्मी पड़ी है, धूप में लगी ना गाड़ी पूरी तरह से, तो बस भाई चलाओगे सर, चलाओगे देख लो भाई इसको नहीं अभी चलाऊंगा। तो गाइस इसने जाम लगा दिया है पीछे, देखिए ओ पिछवान भाई मैंने नहीं लगवाया जाम, नहीं लगवाया, मेरे आगे गाड़ियां खड़ी होगी तो मैं भी क्या करता, इसको गाड़ी नहीं आती अभी चला दे रहा जो भी जा रहा है यहाँ से गाड़ियां निकाल के जा रहा है ओ भाई ब्लैक थार गया गया भाई, क्या बात है। तो गाइस अभी आए थे हम टाटा के शोरूम पे जहाँ से गाड़ी ली थी, नंबर प्लेट आ गई है ना गाड़ी की, तो वो लेने के लिए आए थे भाई है। तो गाइस नंबर प्लेट ले लिया, अब घर पे जा रहे हैं, इसके बाद मैंने लगवानी थी लेकिन एक्चुअली वो मिली नहीं, जहाँ आपने पूछा ना वो मैं दूसरी लगवानी, जो ब्लैक वाली फ्रेम लगी थी जिसके बाहर होल्डर वाली वो सही लगती है वो लगवानी थी, बट है ही नहीं, वो कह रहे हैं सिल्वर से पाली थी उनके पास, मैंने सिल्वर नहीं ब्लैक लगवाऊंगा फिलहाल, बाद में देखेंगे कभी जब भी आएंगे अब। तो कुछ इस टाइप की होगी भाई अपनी फ्रेम, ब्लैक बाउंड्री लगी ना बॉर्डर इसके, मस्त लग रहे हैं। तो गाइस अभी हम घर पे पहुंच गए हैं
तो मैं सोच रहा था कि क्लाइंट के घर भाई एल्बम भी दे आऊंगा, और अभिषेक फिलहाल अपने घर गया है, अंधेरा भी होने लग पड़ा, तो देखते हैं जब वापस आता है तो उतनी देर में कहा तू जा भाई, मैं एडिटिंग कर लेता हूँ, घर बैठ के भी ये करनी है तो गाड़ी में बैठ के भी कर लेता हूँ, तेरा वेट कर लेता हूँ। तो फिलहाल उसका वेट कर रहा हूँ मैं, जब भी वो आता है फिर देखते हैं भाई, जाना होता है क्लाइंट के घर अदरवाइज कर ली जाएंगे, सामान तो पड़ा हुआ सारा भाई आगे पीछे। तो गाइस फिलहाल स्कूल ग्राउंड में भी आ गए हैं, और ये फ्रेम साथ में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि भैया एक भैया हैं उनकी हैं, तो फिलहाल ये भी लेके जा रहा हूँ, वहीं पर दे दूँगा भैया को।